नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने मारी बात मारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के दौरान बहन भाई के अटूट प्यार और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन उत्सव को एक अनोखे तरीके से मनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां पर आयोजित एक वेबिनार में मारी बात मारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है, उनके प्रति सदैव सम्मान की भावना होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 200 महिलाओं को उनके साथ राखी और संदेश भेजने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सरकारी कॉलेज खोलकर राज्य की हर बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया था। महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में 31 महिला पुलिस स्टेशन भी खोले गए। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप भी शुरू किया गया। वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के माध्यम से पुलिस की तत्काल मदद लेने में सक्षम बनाती है। आइए देखते हैं सीएम की ये खास बातचीत। सबसे पहले तो मैं आज इस रक्षाबंधन के पवित्र उत्सव के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जैसा बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में जो रक्षा सूत्र आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, मैं उसको टेक्निकली, क्योंकि हम भले अलग अलग दूर दूर बैठे हैं लेकिन ऐसा मान करके हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को बहुत निकट से मिल रहे हैं, तो इन रक्षा सूत्रों को मैं स्वीकार करता हूँ। और पुनः इस रक्षा सूत्र के इस त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से पूरे समाज को, अब उसमें हमारे भाई बहन हैं, उसमें हमारे सेनाओं के नाते से रक्षा करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर जो सैनिक भाई हैं, विशेष तौर पर उनको, समाज के सभी ऐसे वर्ग को जो शायद इस रक्षाबंधन के सूत्र में सहभागी किन्हीं कारणों से न भी हो पाते हों, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बार का ये रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हम लोग कोरोना के इस महामारी के कारण से एक विशेष तौर से नए तरीके से मना रहे हैं, वरना तो हर वर्ष मेरे निवास पर हमारी बहुत सी बहनें बालिकाएं ये यहाँ उपस्थित होती थी, जिनके हाथों से मैं रक्षा सूत्र बंधवा करके और इस कार्यक्रम को करता था। वैसे आज भी हमारी 10 बहनें, कुछ जो हमारे अनाथ आश्रम हैं, ऐसे जो बालकों के बालकुंज, इस प्रकार की जो व्यवस्था में रहने वाले हमारे ऑर्फन बेटियां हैं, ऐसी जो बालिकाएं हैं, उन्होंने आके मुझे रक्षा सूत्र बांधा। और कल भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पंचकुला से, वहाँ जा करके भी हमारी वहाँ की छात्राएं वो रक्षा सूत्र बांधेंगी। और उस स्थान के ऊपर विशेष तौर पर मैं हरियाणा के अंदर 10 नए गवर्नमेंट कॉलेज, इनकी घोषणा करने वाला हूँ, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में हम छात्राओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, इसके प्रति कटिबद्ध है और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ये होना चाहिए। शायद 10 किलोमीटर के दायरे में सब जगह ना भी पहुंचे हों तो 15 किलोमीटर का दायरा ये कल 10 नए कॉलेज खोलने के बाद पूर्ण हो जाएगा। अगले चरण में 10 कॉलेज, 10 जो किलोमीटर का दायरा है उसको भी पूरा करेंगे। कल के जो कॉलेज खोले जाएंगे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मोरनी का क्षेत्र, जैसे छछरौली से आगे खिजराबाद प्रताप नगर जिसे कहते हैं वहाँ पर खोला जाएगा, इसी प्रकार कैथल जिले के अंदर बहुत दूरदराज पंजाब के बॉर्डर के पास लदाणा जाखू में एक कॉलेज खोला जाएगा, जींद में छात्र गांव में एक कॉलेज खोला जाएगा, बड़ौदा में दो कॉलेज ऐसे खोले जाएंगे, फिरोजपुर झिरका में एक कॉलेज खोला जाएगा, भिवानी जिले में ईसर वाले गाँव बहुत दूर इंटीरियर में है वहाँ खोला जाएगा,
गोरीवाला सिरसा जिला में कॉलेज खोला जाएगा, अग्रोहा में आज तक कॉलेज नहीं खोला, वहाँ एक कॉलेज खोला जाएगा, ऐसे कुल मिलाकर के 10 कॉलेज की कल ये रचना की गई है। हम लोगों ने लगातार पिछले 5 वर्ष में हमारा जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो दृष्टिकोण सोचने का रहा है, वो आपको ध्यान में होगा कि पानीपत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आह्वान किया गया था, उस समय से लगातार हम इस प्रयत्न में हैं कि हमारी बेटियों की, हमारी बालिकाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनके प्रति समाज में देखने का दृष्टिकोण ये बदलना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या माना जाता है कि बेटियां परिवार के अंदर शायद बेटों से कहीं उनको क्षीण माना जाता होगा, उनको बोझ माना जाता होगा, लेकिन बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में हम कामयाब रहे। आज मैं कह सकता हूँ दावे से कि अब हरियाणा के अंदर परिवार में बेटी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ करके परिवार के प्रति उनका जो एक भाव होता है उसको देख करके उनको ज़्यादा महत्व भी मिलने लगा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में बेटियों ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मैं अगर शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा में चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, प्रोफेशनल शिक्षा हो, बेटियाँ बेटों से कहीं आगे निकल करके आ रही हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम में आगे बढ़ने का एक अपना संकल्प जाहिर किया है। तो इस प्रकार आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि मातृशक्ति ये हमारे लिए पूजनीय है, यानी मातृ देवो भव ये हमेशा हम कहते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे देश की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, इसको हमको पुनः लागू करना है। नारी का महत्व इतना होता था कि नारी की संतान भी कभी कभी, एक समय ऐसा था जो माँ के नाम से जाना जाता था, माँ का नाम लगा करके बेटे का नाम ये पुकारा जाता था। तो लेकिन एक कालांतर में इस प्रकार का समय आया कि जब नारी की सुरक्षा भी कई कारणों से बड़ी कठिन हो जाती थी, नारी अपनी सतीत्व को प्राप्त करने के लिए भी कई बार अपनी मृत्यु का उल्लंघन भी करने लग गई थी, सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं। लेकिन आज हमारा आज़ाद भारत, स्वतंत्र देश, इसमें नारी को अच्छा उच्च स्थान मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हमने जैसा शिक्षा की मैंने बात बताई, वैसे सुरक्षा के नाते महिलाओं की सुरक्षा अलग से एक हेल्पलाइन ये हमने बनाई, दुर्गा ऐप, ये हमने यानी लगभग 2 लाख से ऊपर बहनों ने दुर्गा ऐप को डाउनलोड किया। बल्कि मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर बहन को, हर बेटी को, जो खास करके पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली हमारी बहन बेटी जो घर से बाहर प्रतिदिन जाना जिसको पड़ता है, ऐसों को तो सबको और अपनी रक्षा हेतु इस ऐप का उपयोग जरूर करना चाहिए। जब भी कभी ऐसी कोई घड़ी आ जाए जिसमें हमें तुरंत आवश्यकता हो सहायता की, तो हमको तुरंत दुर्गा ऐप का उपयोग करना चाहिए। हमने महिलाओं की अलग से यानी दुर्गा वाहिनी फोर्स ये बनाई, दुर्गा शक्ति रैपिड वाहिनी एक अलग से पुलिस में वाहिनी बनाई, ताकि कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो महिला की सुरक्षा के लिए तुरंत हमारी ये पुलिस जो है ये पहुंच सके। अभी डायल 100 करके हरियाणा में एक और नया कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद तो हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ हमेशा सड़कों पर, गाँव में, शहर में तत्पर एकदम तैयार रहेंगे कि जब भी कभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो पैनिक बटन दबाते ही उस जगह पर तुरंत हमारी पुलिस, हमारी फोर्स पहुंच सके। ये आने वाले 1 नवंबर से पहले पहले इसकी सारी योजना शुरू होगी और हम हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर इसको भी एक प्रकार से लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी प्रकार महिलाओं के थाने हमने अलग से खोले। आपको पता है रक्षाबंधन के 2015 के वर्ष में मैंने महिला थाने हर जिले में एक हो, आज हमारे यहाँ 31 महिला थाने हैं, किसी प्रदेश में और नहीं है। तो 31 महिला थानों में महिला ही सुरक्षाकर्मी सभा होती हैं। पुलिस में हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई, जब हमने सत्ता संभाली थी 5 वर्ष पहले तो केवल 6% महिलाओं की संख्या थी पुलिस के अंदर, आज वो संख्या बढ़कर के 10% हो गई है। और हमारा टारगेट अगला 15% तक महिलाओं की संख्या, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हों, चाहे महिला पुलिस के कांस्टेबल हों, ये संख्या बढ़नी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं का जो रोजगार है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, इसके प्रति भी हम गंभीरता से चिंतित कर रहे हैं।
हम देखते हैं कि हरियाणा में महिलाओं का अनीमिया दर ये बहुत डाउन है, बच्चों का अनीमिया दर तो डाउन है ही, महिलाओं का भी है। महिलाओं के कारण से कई बार बच्चों का होता है। तो ऐसी गरीब बस्तियाँ, पिछड़ी बस्तियाँ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की स्थिति है, तो हम इसको भी ठीक करने के लिए अभियान हमने चलाया है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने आपको बताई है, रोजगार के नाते से, रोजगार में भी स्किलिंग का जो कार्यक्रम है उसमें महिलाएं आगे बढ़कर के आ रही हैं। स्किलिंग के माध्यम से वो अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए इनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस ओर भी हम विशेष प्रयत्नरत हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत इसकी जो घोषणा की है, इसमें 20 लाख करोड़ रुपए की देशभर की योजनाएं जो बनी हैं, इसमें भी महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन योजनाओं पर महिलाओं को, बालिकाओं को ये उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो घरों में खाना बनाती हैं, उनकी यानी जो गैस, जो धुआं, जिसको लकड़ी का चूल्हा जला करके काम करना पड़ता है, धुएं से आंखें खराब होती हैं और शरीर में बीमारियां लगती हैं। इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जो बनाई, उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9,17,000 परिवारों को हमने ये गैस कनेक्शन ये इस पिछले 5 साल के अंदर पहुँचाए हैं। और आज मेरा दावा है, कोई परिवार हरियाणा में ऐसा नहीं है जिस परिवार के यहाँ गैस सिलेंडर न हो। ऐसा मैं खुली सभाओं में मैंने कहा है। इकादुका जगह पर कुछ महिलाओं ने हाथ खड़े भी किए, तो हमने तुरंत उनको 48 घंटे के अंदर अंदर गैस कनेक्शन चूल्हा ये पहुंचना चाहिए, इस प्रकार का सब किया है। प्रधानमंत्री जी ने हर बेटी का अपना एक खाता हो, हर एक महिला का खाता हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना इसके अंतर्गत खाते खुलवाए, महिलाओं के सबके खाते खुलवाए। और अभी पिछले दिनों में तो हर महिला, गरीब परिवार की जो महिला है, उसके खाते में सीधा केंद्र सरकार ने पैसा भी भेजा, ताकि हमारी महिलाएं वो समृद्ध बने, वो आत्मनिर्भर बने, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आ जाए। तो इस प्रकार का महिलाओं का उन्होंने काम किया है। हमारी बेटियों की शादी, गरीब परिवारों की, विधवाओं की, अनुसूचित जाति में खास करके, इनकी बेटियों की शादी में भी हम लोग 31,000 रुपया, 41,000 रुपया, 51,000 रुपया, ऐसे अलग अलग स्तर के ऊपर कन्यादान के रूप में ये राशि भेजते हैं, ताकि उन परिवारों को कोई कठिनाई ना आए। सामूहिक विवाह योजना में भी हम लोग इस प्रकार की सहायता ऐसे लोगों को करते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो स्वयं सहायता समूह, ऐसी बहनें जो रोजगार करती हैं, इनके लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण, इसके ऊपर ब्याज ये फ्री करने का काम ये भी हमने किया। और जो उसके अंदर ये ब्याज जो ऋण लेते हैं बैंकों से, तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसको भी हमने जीरो किया है, ताकि हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये ज़्यादा आगे आएँ। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ चीज़ों का ये निर्माण करती हैं, कुछ चीज़ें बनाती हैं, उसमें खाद्य पदार्थ भी हैं, उसमें हमारे घरों में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुएँ भी हैं। तो इनकी बिक्री के लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम सोच रहे हैं कि ऐसी इनके सामान की क्वालिटी चेकिंग के बाद, एक सर्टिफिकेशन के बाद, उनकी बिक्री की व्यवस्था ये सरकार द्वारा की जाए। इसके लिए अभी हमारा जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर बिक्री केंद्र, रिटेल के बिक्री केंद्र गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसे बनाने वाले हैं। पहले चरण में 2000 युवकों को हम ये काम देंगे, और वहाँ पर जो बिक्री के लिए जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जितने उत्पाद हैं, उनको हम बेचने के लिए रखेंगे। साथ साथ ही जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, घरेलू उद्योग के माध्यम से जो सामान उपलब्ध होगा, उसकी सर्टिफिकेशन करा के, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न करें, ऐसे सामान को बेचने की सीधी व्यवस्था भी वहाँ पर उनके द्वारा कराई जाए। कोरोना के समय भी हम लोगों ने जो इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो मास्क बनवाने का काम है, ये हमने किया है। और आज तो हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है कि मास्क मुख के ऊपर ज़रूर लगाया जाए, ताकि इस बीमारी का जो फैलाव है उसको होने से हम रोक सकें, बचा सकें। बल्कि आज के दिन तो मैं आह्वान करूँगा कि रक्षाबंधन के दिन केवल रक्षा सूत्र ही न बांधें, बल्कि सामने वाला जो भी हमारा भाई बंधु है, जिसको हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उनको भी और अपने आप को भी अपने मुख पर मास्क बांधने का भी एक संकल्प लें, कि इस दिन मास्क बांधने के संकल्प का भी उतनी आवश्यकता, जैसे हमारी हम रक्षा सूत्र बांधते हुए संकल्प लेते हैं रक्षा का, हम अपनी बीमारी से किस प्रकार से बचें, तो मास्क बांधने का भी संकल्प जरूर लेना चाहिए। ये भी समय की आवश्यकता है, तो इसको भी हम ध्यान रखें। जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान 2015 में प्रधानमंत्री जी
के आह्वान पर लिया था, उसकी कहानी आपको सबको पता है। हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, ये 2014 की बात, मैं 15 की बात कह रहा हूँ, और आज वो जेंडर रेशो बढ़कर के 923 हो गई है। बहनों, एक बहुत प्रगति, एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक जो हमारी एक व्यवस्था है, उसमें ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 1 से 50 तक का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन बहुत बड़े अंतर से कई प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, ये होने का खतरा बना रहता है। तो इस पर और हम प्रयत्न करके इस जेंडर रेशो को और कैसे अच्छा किया जाए, ठीक किया जाए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं। हमने कॉलेज में, स्कूल में जो जाने वाली हमारी छात्राएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी छात्राओं की सुरक्षा जो योजना है, छात्रा परिवहन योजना, इसको हमने शुरू किया है, ताकि बसों को, हर रूट पर बसों को वहाँ भेजा जाए। जिस रूट पर संख्या कम है, उस रूट के ऊपर हम छोटे वाहन भेज करके भी हमारी बेटियों को, बालिकाओं को स्कूल से कॉलेज, घर से स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज से घर में आने की एक सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर मेरा कहने का भाव ये है, जो भाई बहन का हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार पर बहनों के लिए जो कुछ हमने किया, उसका मैंने बताया है। कभी भी योजनाएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, हम अभी भी जो कुछ विषय आपके द्वारा हमको सुझाए जाएंगे, हम उनको पूरा करने के लिए जहाँ तक भी संभव होगा उसको पूरा प्रयत्न सरकार की ओर से करेंगे। और न केवल सरकार की ओर से, बल्कि हमारी बहनों बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी सामाजिक संस्थाएं ये भी लगी हुई हैं, बहुत सी संस्थाएं महिलाओं की, वो भी आगे बढ़ करके आ रही हैं। तो मेरा आह्वान उन सभी संस्थाओं से, उन बहनों से, माताओं से है कि वो भी महिला उत्थान के नाते से, महिला सशक्तिकरण के नाते से वो आगे आए, और आगे आ करके हमारी बहनों का, हमारी माता बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। रक्षा सूत्र के दिन एक विषय का और ध्यान करना आवश्यक है कि अभी आज के समय में इस रक्षा बंधन को बहन भाई के बीच में रक्षा सूत्र का त्यौहार ऐसा माना जाने लगा है। लेकिन यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे, तो इतिहास में रक्षा यानी जिस चीज़ का दायित्व रक्षा करने का मेरे ऊपर है, उसकी रक्षा करने का काम ये हमने करना है, और उसके लिए हमें किसी से कोई वचन भी लेना है, तो उसको वचन के लेने का काम भी इस रक्षा सूत्र को बांध करके हम करते हैं।